ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आप बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, किसी के मोहताज बन चुके हैं तो इस मंत्र को पढ़िए और शिव जी का ध्यान कीजिए। ना तो आप मजबूर रहेंगे, ना तो बेबस रहेंगे और ना तो किसी के मोहताज रहेंगे। शास्त्रों के मुताबिक शिव भक्ति संकल्प और इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाली होती है। शिव का मतलब परमानंद भी है, वही उनका स्वरूप सौम्य और सरल। इसलिए एक धार्मिक आस्था है कि अगर शुद्ध और सरल भाव के साथ किसी भी स्थिति में शिव स्मरण किया जाए तो ना केवल फल मनचाहा और सिद्धता से मिलेगा बल्कि हर व्यवस्था, हर कष्ट और हर कलंक का अंत निश्चित है। शिव स्मरण से जीवन से सारी मानसिकता, आर्थिक और शारीरिक दुख और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हम आपको पुराणोक्त शिव मंत्र के बहुत असरदार मंत्र बताने जा रहे हैं। यथासंभव इस मंत्र का ध्यान शिवलिंग की कम से कम जल या बिलव पत्र अर्पित कर लीजिएगा। किंतु इस मंत्र की खासियत यह है कि बिना बाहरी पूजा सामग्रियों के चढ़ावे के भी यह बहुत मंगलकारी है, क्योंकि इसके द्वारा हर भक्त मन, प्राण, इंद्रियों और कर्म को ही पूजा सामग्री के रूप में शिव को समर्पित करना है। इसलिए बिना शिवाय जाए या किसी असक्तता में भी इस मंत्र मात्र से अद्भुत भक्ति आशुतोष शिव को जल्द प्रसन्न करती है। सोमवार या शिव उपासना के विशेष अवसरों पर इस मंत्र का स्मरण न चुके तो चलिए हम आपको मंत्र बताते हैं। पुष्पाणि संतु त्वदेव ममिन्द्रियाणि धूमो गरु पुरोडिदम हृदय प्रदीपा प्राणा हवसी कणाणानि त्वचा छदात पूजा फलम व्रततु साम्र प्रथमेश जीवा। हमें मंत्र वापस पढ़ दे रहे हैं और इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो, क्योंकि हम भी प्रोनाउंस करते हैं तो कभी कभी गलतियां अक्सर हो जाती है। हम मंत्रों का उच्चारण फिर से कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र को लिख देंगे। मंत्र है पुष्पाणि संतु त्वदेव ममिन्द्रियाणि, मतलब पुष्पाणि संतु त्वदेव ममिन्द्रियाणि धूपो गरुड़ प्रदम हृदय प्रदीपा प्राणा हविसी कर्णाणि त्वाच्छदाश्च प्राणाहवसी कर्णाणि त्वाच्छदात् पूजा फलम व्रत तु साम्र प्रतिमेश जीवा। ये मंत्र है। सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है कि हे महादेव, आपकी पूजा के लिए मेरी इंद्रियां फूल बन जाएं, मेरा शरीर सुगंधित धूप और अगरू बन जाए, मेरा हृदय दीप हो जाए, मेरी जीवन शक्ति यानी प्राण हविष और सारी कर्मेंद्रियां अच्छत बन जाए, इस तरह मैं आपकी उपासना करता हुआ पूजा का फल प्राप्त करूं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।